शुरुआत करांगे बलसुन दी मोहाली ब्लास्ट नाल जुड़ी वड्डी खबर दे नाल। मामले दे विच इक होर मुलजम दी गिरफ्तारी हुई है। तरन तारण दे पिंड कुल्ला दा निशान सिंह गिरफ्तार किया गया। सो इस मामले दे विच गिरफ्तारियां दा दौर लगातार जारी है ते जो गिरफ्तारी दसी जा रही है ताजा ओ इस मामले दे विच हुई है। तरन तारण दे पिंड कुल्ला दे निशान सिंह दी गिरफ्तारी हुई है। सो वक्खो वक्ख गिरफ्तारियां इस मामले दे विच हो रही ने, निशानदेही ते होर गिरफ्तारियां हो रही ने, पुछ पड़ताल की जा रही है। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਨਿਤਿਕਾ ਮੇਸ਼ਵਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਤਿਕਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ? आवाज आ रही है अमृता? बिल्कुल, देखो लगातार पुलिस जी कार्रवाई कर रही है, सर्च ऑपरेशन उन्होंने लगातार चल रहा है। जिस तरह की पहला भी दस रहे, डीजीपी भी दसते हुए नजर आए थे कि अलग अलग थावां तो गिरफ्तारियां जिहड़ियां ने हो रही ने। पर तुसीं देखो भिखी पिंड तरन तारण जिले के बीच पैंदा है, तो जे गल की जाए बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है। तो पहला भी ये जानकारी मिल रही है कि बॉर्डर के जिहड़े लड़के ने उन्होंने टारगेट जरा किया जाता है इस तरह दहशत फैलाने। इस जे निशान सिंह की गल की जाए तो पहला ही कई मुकदमे जड़े हैं उन्होंने दर्ज ने। फिलहाल फरीदकोट पुलिस ने निशान सिंह गिरफ्तार करके मोहाली पुलिस को हैंडओवर जरा है वह कर दिता है। पर तुम देखोगे मुकदमे की लिस्ट जी बहुत लंबी है, 13 तो ज्यादा मतलब दर्जना तो ज्यादा मामले जो दर्ज ने निशान सिंह से। हूँ मोहाली जरा ब्लास्ट होया कि उस मामले के भी निशान सिंह का नाम आ रहा है, जिसके कारण फरीदकोट पुलिस वालों जरा है निशान सिंह नू पकड़िया गया ते मोहाली पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। तो पूछगिछ सामने आ जाएगा कि आखिर कितने कितने तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि अंबाला तो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पंजाब के अलग अलग इलाकों तो जिहड़ियां ने वो गिरफ्तारियां हुई ने। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी कहते हुए नजर आए थे कि किसी नू बख्शिया नहीं जाएगा जो जो भी ये इनवॉल्व ने। नाले जिस तरह दसा जा रहा कि रॉकेट का जरा इस्तेमाल होया है, आरपीजी का इस्तेमाल होया है, तो वह भी जरा है पंजाब पुलिस वालों रिकवर कर लिया गया है। तो इसका मतलब कितने ना कितने जल्द ही पुलिस जरा है सारा सुलझा लेगी कि आखिर किसने यह हमला किया सीगा ते इहदे पिछे कौन सी। जी बहुत शुक्रिया नितिका इस पूरी जानकारी दे लई, तुहाडे कोलों अपडेट्स लैंदे रहांगे। फिलहाल धन्यवाद।